भैया दुकानदार ने ना मुझे पैसे ज्यादा दे दिए, ज्यादा दे दिए? कितने ज्यादा दे दिए? और 400 रुपये ज्यादा दिए। 400 रुपए कैसे ज्यादा दे सकता है? मैंने उसे 100 का नोट दिया था, तो 50 की दवाई आई है तो 50 वापस देने चाहिए थे, तो उसने मुझे 450 क्यों दे दिए। मुझे लगता कि उसे लग रहा कि मैंने उसे 100 का नहीं 500 का नोट दिया है। वैसे ज्यादा ही तो दिए, कम थोड़े दिए। चलो तुम तो। ऐसे कैसे, उसने मुझे ज्यादा पैसे दिए, हमें वापस देने चाहिए ना उसके। विलक्षण ये तो पागल हो क्या? आती हुई लक्ष्मी को क्यों ठुकरा रहे हो? भैया, ये आती हुई लक्ष्मी नहीं है, ये आता हुआ लालच है। अगर एक बार ये मेरे मुंह लग गया ना तो मैं इससे कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। लालच? हाँ, आज ये 400 रुपए का है, कल को और बढ़ेगा, कहीं से मुझे नहीं मिलेगा तो मैं जानबूझ के करूंगा, हेरा फेरी करूंगा, और ये बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाएगा कि मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। अरे तू तो क्या बोले जा रहे हो, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारा लाइफ पार्टनर लालची हो या बेईमान हो? बिल्कुल भी नहीं। फिर क्या करिए, 400 रुपये लेके आज मैं यहाँ से चला गया तो मैं दोबारा कभी इस दुकान पे नहीं आऊंगा, और अगर कभी आया तो मैं कभी भी इस दुकानदार से नजर नहीं मिला पाऊंगा। सोचो, जो इंसान एक दुकानदार से नजर नहीं मिला पाएगा तो वो तुम्हारे पापा की नजरों में नजरें डाल के तुम्हारा हाथ कैसे मांगेगा? और वैसे भी ये उसकी मेहनत की कमाई है। तुम जो मुझे समझाना चाह रहे हो ना, मैं समझ गई हूँ। चलो पैसे वापस लेकर आए। अरे भाई यार, 500 रुपए के लिए झूठ बोलूंगा क्या मैं? भाई साहब, मैं भी 3 सालों से यहाँ पे काम कर रहा हूँ, आज तक नहीं हुआ ऐसा। देख, या तो मेरे पैसे वापस दे दे वरना मैं पुलिस को बुलाने वाला हूँ, और पुलिस आ गई ना सोच लियो कितनी बदनामी होगी तेरी। चला लियो दुकान। आपको पुलिस को बुलाना है बुलाओ, जो करना करो, मैं गलत नहीं हूँ तो मैं नहीं डरूंगा। मुझे अच्छे से याद है आपने मुझे 100 रुपए ही दिए। क्या हो गया भाई साहब? भैया देखना, दिन दहाड़े लूट मचा रखी है इन्होंने। मैंने इन्हें 500 का नोट दिया और दवाई 50 की आई है, और 50 का नोट इन्होंने वापस दे के कहा कि हो गया हिसाब आपका। भाई साहब, आप भी तो यहीं खड़े थे, बताइए ना अगर आपने देखा हो तो। अरे भाई साहब, ना आपकी गलती है ना इनकी, दरअसल आपको एक गलत फहमी हुई है। गलत फहमी? हाँ, वो क्या, मैंने इनको 100 का नोट दिया था और 50 की दवाई आई थी, तो इन्होंने मुझे 450 रुपये वापस कर दिए, और मुझे लगता है वो 500 का नोट आपने दिया होगा, और जो मुझे 50 रुपये देने थे वो इन्होंने आपको दे दिए। भाई साहब मुझे माफ कर दो, शायद जल्दबाजी में हो गया ऐसा। कोई बात नहीं भैया, हो जाता है, मैंने भी पता नहीं आपको क्या क्या बोल दिया, गलती तो देखा जाए आपकी भी नहीं थी। ये आपके पैसे। शुक्रिया भैया। भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मुझे पैसे वापस देने के लिए आए। अगर कोई और होता तो 400 रुपये तो ले जाता, पर उसके बदले में मेरा क्या जाता शायद उसे अंदाजा नहीं था। मुझे अच्छा लगा आपको देख कर, और आप लोगों की वजह से आज इंसानियत जिंदा है। कोई बात, संजू, आई एम प्राउड ऑफ यू एंड आई लव यू। आई लव यू टू, एक्सेप्ट।